अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्रॉम स्किल्स अकेडमी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो क्रोम एक्सटेंशन जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में। तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक और बबरकत नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले न्यूज़ फीड एरेडिकेटर, इसका काम है न्यूज़ फीड ख़त्म करना। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने सारी न्यूज़ फीड ख़त्म कर दी है और यहाँ पर आपको कोई शो होती है, और ये बहुत ज़्यादा टाइम सेव करती है। और कम से कम मुझे 2-3 माह हो गए इसे यूज़ करते हुए। तो आप देख सकते हैं साइड बार भी सारी गायब, और न्यूज़ फीड जो है उधर ये मोटिवेशनल क्वोट्स वगैरह शो होती हैं। उसके बाद रिमूव यूट्यूब रेकमेंडेड वीडियोस एंड कमेंट्स, ये भी बड़ा कमाल का एक्सटेंशन है। ये देखें यूट्यूब होम पेज ख़त्म, यहाँ पे कोई भी वीडियो ओपन करें साइड बार ख़त्म, और नीचे कमेंट की फ़ोटोज़ वगैरह ख़त्म, और इस तरह करके जो भी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकती हैं उन सबको ख़त्म कर दें। इसके ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑप्शंस हैं इसके: होम पेज फीड, साइड बार, रेकमेंडेड, लाइव चैट, प्लेलिस्ट, और ये एंड स्क्रीन कार्ड्स, कमेंट्स। उसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिन्हें आप हाइड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद स्टे फोकस्ड, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्सटेंशन है। मतलब जब मैं ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाऊँ किसी भी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म से तो मैं उसे ब्लॉक कर देता हूँ, और अगर आप इससे ब्लॉक कर दें तो आप एक स्पेसिफिक टाइम से पहले उसे अनब्लॉक भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो उसके अलावा इसका जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो है न्यूक्लियर ऑप्शन। तो न्यूक्लियर ऑप्शन में ये होता है कि आप यहाँ से टाइम सेट कर सकते हैं कि इतने टाइम तक जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी ब्लॉक हो जाएं, तो आप फिर चाह के भी किसी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते, आप इस प्लगइन को डिसेबल भी नहीं कर सकते। तो उतने टाइम तक आप जो भी कोई इम्पोर्टेंट काम करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यूआरएल ब्लॉकर, ये अगर कोई स्पेसिफिक पेज आपने ब्लॉक करना हो, मैं इसे ज़्यादातर करता हूँ मतलब फेसबुक पे स्लैश वॉच। तो ये सारे पेजेस मैंने इसे ब्लॉक किए हुए हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट होता था। अच्छा जी, उसके बाद ट्विटर, तो ट्विटर को आप कंप्लीटली तौर पे ब्लॉक कर सकते हैं अपने ऐड ब्लॉकर से। अब ये देखें इसमें सारा शो हो रहा है, तो अगर इसमें इधर ओपन करें तो ये देखें इसमें ब्लॉक कर दिया। वैसे इसके अलावा अगर ब्लॉक ना करता तो मैंने आपको दिखाना था कि वो सारा साइड बार वगैरह हाइड की हुई है। तो सिंपली आप यहाँ से ब्लॉक एलिमेंट और ये सारा कुछ ब्लॉक, तो इस तरह करके आप जो जो से एलिमेंट चाहें वो ब्लॉक कर सकते हो। उसके बाद एक और टिप, होस्ट फाइल के ज़रिए ब्लॉक करना। अब मैंने काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट जो हैं वो ब्लॉक की हुई हैं, अब रेडिट भी इस टाइम मैंने ब्लॉक की हुई है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हैं, मतलब कभी कभी तो ये कंट्रोल ही नहीं होता। तो फिर उसके लिए हम होस्ट फाइल को यूज़ करते हैं, होस्ट फाइल में डोमेन का नेम्स ऐड कर देते हैं और फिर वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो उम्मीद है ये एक्सटेंशन आपकी भी मदद करेंगे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। स्किल्स अकेडमी से सीखें कोई भी स्किल बिल्कुल मुफ्त, वर्डप्रेस, एसईओ, गेम डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट और किसी भी किस्म का स्किल।
अगर आपके पास मोबाइल डिवाइस है तो वहाँ पे आप स्किल्स एकेडमी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और कोई भी कोर्स देख सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। अगर आपको किसी भी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें SEO मास्टर्स एकेडमी और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट करें।